Hey everyone, welcome back to my channel. और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर. दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अवनीत कौर का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक. तो मुझे उनका ये लुक काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है. तो चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे किया है. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी. तो चलिए देख लेते हैं. और गाइज, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल और मेकअप लुक्स, बहुत ही सिंपल और इजी मेकअप लुक और हेल्दी टिप्स और मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हुई हैं. तो प्लीज़ मेरी वीडियो की लिस्ट को चेक करना ना भूलें, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो चलिए देख लेते हैं. बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सा लुक है, कोई भी इसे आसानी से क्रिएट कर सकता है. तो चलिए देख लेते हैं. और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा. यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मेकअप प्राइमर. अच्छे से इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप का जो एक बेस है वो स्मूथ सा बेस तैयार हो जाए. और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन और इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ब्लेंड, क्योंकि फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो केक ही दिखने लगता है. नेक्स्ट मैं इसे लैक में लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूंगी ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो केकी ना दिखे. और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर. पहले मैं इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी. एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ब्लेंड हो गया है. बहुत ही अच्छा कंसीलर है, मुझे बहुत पसंद आया है. और इसे भी मैं इस लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी ताकि मेरी आई शेडो में कोई भी क्रीज लाइन ना बने. अब मैं इस पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को पहले कॉम करूंगी और उसके बाद मैं अपनी ब्रोज को फिल कर लूंगी. तो काफ़ी अच्छी ब्रो पेंसिल है ये और बहुत ही नेचुरल कलर है. देख सकते हैं आप, ब्राउन कलर का शेड है और काफ़ी नेचुरल दिखता है ये. तो यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट से ये बरगंडी कलर का शेड अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी. और मैं इसे तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक कि मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता. तो इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. और पता नहीं गाइस क्या प्रॉब्लम है कि मेरा ये बरगंडी कलर का शेड पिंक कलर का शेड क्यों दिखता है. अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आई लाइनर और ये ब्राउन कलर का आई लाइनर है. तो इस तरीके से मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से रफली आई लाइनर को ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि मुझे स्मोकी आई लुक चाहिए. तो मैं इस तरीके से और इसे स्मश कर लूँगी. और अब मैं यही बरगंडी कलर का शेड अपनी आईलाइनर पर लगा लूँगी. बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं अपने डार्क बनाना है इसे, क्योंकि अवनीत ने भी एक स्मोकी आई लुक क्रिएट किया हुआ है. तो इस तरीके से ही मैंने किया है. अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा. आप चाहे तो यहाँ पर फॉल्स लैशेस भी वियर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ 2 से 3 कोट, क्योंकि अवनीत ने भी कोई भी फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं की हुई हैं, तो इसीलिए मैं भी नहीं लगा रही हूँ. अब मैं यही बरगंडी कलर का शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी. अब मैं ये मैक की लिपस्टिक ले रही हूँ, ये ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, और इसे अपने फेस को कंटूर कर लूँगी. काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी क्रीमी है, इजीली ब्लेंड हो जाती है और इसे मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश और बहुत ही लाइट पिंक कलर का ब्लश मैं अप्लाई करूंगी. अब मैं यहाँ पर शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. तो अपने फेस को मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर लिया है.
अब मैं ये मैक का काजल ले रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी आंखें जो है थोड़ी खाली खाली सी दिख रही हैं, तो मैं इसलिए मैक का काजल यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। यहाँ पर मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को पहले फिल करूँगी। और मैं यहाँ पर गाइस दो लिपस्टिक के शेड मिक्स कर लगा रही हूँ ताकि जो मेरा शेड है वो अवनीत के शेड से थोड़ा मैच हो जाए। तो ये इस तरीके से मैं पहले पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ और उसके बाद मैं मैक की ही ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि मैंने कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ की थी। और अब मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ ताकि मेरा मेकअप जो है अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, और कमेंट में गाइज ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।